sala. ये रहा ठाकुर भाई प्रताप सिंह का ऐलान। जय शंकर बाबू, जय गोपाल, जय गोपाल। मुनीम जी, जी साहब, अभी तक दर्शनवा का लेकर कारिंदे नहीं आए। रसायत लोग गए हैं बाबू साहब, लेकर जरूर आएंगे। इंतजार करो। हाँ। और बाप की खाई कर जा, दर्शनवा अवश्य देगा। बैठे आप आराम करें, जरा मैं हिसाब किताब मिला लूं। बाबू साहब, ये रहा दर्शनवा आपके सामने। यही है दर्शनवा। तुम्हारा ही नाम दर्शन है। हाँ बाबूजी। और मुझे आपने क्यों बुलाया है ठाकुर, मुझे आपने क्यों बुलाया है ठाकुर, और पुजारी चरण रज का आया है ठाकुर। बाबू साहेब, आज मुझे क्यों बुलाया गया? दर्शन, तुम्हें क्यों बुलाया? सुनो मेरा फरमान। तुम्हें आज दर्शन यही है बताना, तुम्हें आज दर्शन यही है बताना, और तुम्हें अपने बापू का कर्जा चुकाना। दिया एक पैसा, छह साल बीता, और नहीं झूठ सच है ये कहता जमाना। तुम्हारा बाप मर गया, एक पाई ब्याज तक नहीं दिया। बाप की खाई कर्जा तुम्हें चुकाना है दर्शन, और इसीलिए तुम्हें बुलवाया हूं। कहा आपने जो और सही मानता हूँ, और लिया कर जा बाबू से जानता हूँ। ठीक दर्शन, तुम्हारा बाप ईमानदार था। बताया कौन मरा है? मरते समय मुझको सब है बताया बाबूजी। मरते समय मुझको सब है बताया, यह मैं मानता हूँ कि जग जानता है। दर्शन, जब जानते हो तो देरी किस बात की है? सुनो, जानते हो सभी बात सब है सही, जानते हो सभी बात सब है सही, अब ना कर्जा चुकाने में देरी करो, जाओ लाओ यहीं पर सभी रुपए, या तो जो मैं कहूं उसको कीजिए अभी। देरी किस बात की है? जानते हो तो जाओ, कर्जा लेके आओ, देख जाओ। बाबू साहब, आज तीन दिन हो गया, खाना तक नहीं मिला, कोई काम धंधा नहीं मिला है। बाबू जी, खाने बिना मजबूर हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, कहना क्या चाहते हो? क्या कहना? आपसे और जो है जमींदार जी, कुछ समय की मोहलत मुझे दीजिए, आपका कर्ज सारा चुका देंगे हम, कुछ गरीबों पे थोड़ी दया कीजिए। दर्शन, आप गरीबों पर रहम नहीं है। छह माह बीत गया, अभी तक तुम्हें मौका नहीं मिला। तुम्हारा बाप मर गया,
एक पाई नहीं दिया ब्याज। आज कर्जा तुम्हें देके जाना है और जब तक कर्जा नहीं दोगे तब तक तुम हवेली में बने रहोगे। सोच लो बाबू साहब। बोलो क्या मोहलत मांग रहा है क्या? कह रहा है बाबू साहब कुछ मोहलत दी जाए। मोहलत? एक मिनट की मोहलत नहीं दी जाएगी क्योंकि 10,000 रुपए का मामला है। कितना? 10,000 का। मुनीम जी हमार बाबू 1,000 रुपया कर्जा लेगा। क्या बक्का है? पागल हो गए क्या? सुनो इधर 10,000। देखो जंगीलाल तुम्हारे बाप का नाम, उसके बाप का नाम रंगीलाल, तेरा दर्शन नाम है और तेरी बीवी का नाम दीवा है। ये देखो 10,000 रुपए लेकर गया। नहीं मुनीम जी। पढ़े लिखे हो? हाँ साहब। देख लो 10,000। अब उठा निशानी है देखो। हमार बाबू हमसे मर्द की बताए कि जमींदार खिया से 1,000 रुपया कर्जा लाए। 10,000 बताया होगा। नहीं लाला जी हमार बाबू बाप 10,000 रुपया ले गया है। हम लोग झूठ बोले हैं? मैं भक्ति आदमी झूठ बोलूंगा भला? मान लिया मुनीम जी झूठ बोली है तो बोली है। हम सब झूठ बोलब तो बोलब। क्या हमारे मुनीम जी का बहन खाता झूठ बोले? बही खाता बोलो हराम दादे। हाँ बही खाता। तेरा बाप 10,000 रुपए लेकर गया समझे? हमारे सामने की बात है। इनका बाप आए नहीं। सही बताया भैया। हम झूठ ना बोलब। दो लड़का बच्चा है झूठ जी बोले। मर गया हाँ कसम। लड़का बच्चा कसम खाते झूठ ना बोलब। हाँ तोरे बाप आ रहे 100। नहीं जी हमार बाप हमसे मर्द की बताए कि जमींदार खिया से 1,000 रुपया कर्जा लाए। 10,000 ले गया है भैया। 1,000। ऐसा बोल सकता? मत मारो हराम जादी। खड़ा जाओ साला। ये लाला की खोपड़ी है बरखुर्दा। साला क्यों नहीं कहा? हड्डी पट्टी तोड़कर एक कर दूंगा। तेरा बाप 10,000 ले गया है। ठीक है बाबूजी अगर हमार बाप 10,000 ले गए तो हम 10,000 बाबू साहब देवे। दर्शन हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। ये हकीकत है कि तुम्हारा बाप 10,000 रुपए ले गया है। रुपया 10,000 तोहरे बाबू जी ले गई ले मोरे राम। रुपया 10,000 तोहरे बाबूजी ले गई ले मोरे राम। बाबूजी ले गई ले ना लौटौले बीरना, ना लौटौले बीरना। आए ठाकुर करैता गादा ना लौटौले बीरना। ये बात तो मेरे सामने की बात है। तुम्हारा बाप 10,000 रुपए ले गया है। ठीक है बाबूजी अगर हमारे बाप 10,000 रुपया ले गया है तो हम 10,000 रुपया देवे बाबू। लेकिन मुनीम जी अबे कौनो रास्ता खाए कमाए के नहीं ना। जब कौनो रास्ता मिल जाए खाए कमाए लागे तो हम बाबू साहब के रुपया दे देवे। अच्छा बाबू साहब क्या है इसको रास्ते बतला दो। रास्ते दर्शन तुम्हारे लिए दो रास्ते हैं। दो रास्ते हैं एक प्रतापगढ़ का मेठी। रास्ता दो है ये तो चलने के रास्ते पे जिंदगी और मौत। लो सुनो मेरा फरमान। रास्ते सिर्फ दो हैं तुम्हारे लिए। रास्ते सिर्फ दो हैं। रास्ते सिर्फ दो हैं तुम्हारे लिए। पहले कर्जा चुकाने की कोशिश करो दूजे बीबी सहित आ गुलामी करो या तो जो मैं कहूं उसको कीजे अभी।
दर्शन रास्ता दो है, या तो गुलामी कीजिए या तो कर्जा दीजिए। कैसे गुलामी? तुम्हारी पत्नी और तुम हवेली पर गुलामी करोगे। जहां मैं रहूंगा वहां तुम्हारी पत्नी रहेगी और तुम फौड़ा लेके खेतों में काम करोगे। या तो गुलामी नहीं करना चाहते हो तो रुपए दे दो। बाबू साहब ये कैसे आया कि हम खेतों में काम करी हमारे और जहां आप सब हवेली के अंदर रहे हा? जो मैं चाहूंगा वही होगा दर्शन। देखा बाबू साहब, हम अपन बाल बच्चा हम दोनों प्राणी आए के जहाँ रहे साथे रहे, हम गुलामी करबे, हम मजदूरी मेहनत करके आपका कर्जा दे देवे, लेकिन ये कहें कि आप हमारे औरत जहाँ आप सब रहें हवेली के अंदर रहें और हम खेते में काम करी। रे बे सुन, ज़्यादा ऊंची आवाज बोलने की कोशिश नहीं करोगे, जो मैं चाहूँगा वही होगा। या तो कर्जा दोगे या तो गुलामी करोगे, नहीं तो उतारूंगा जूता साले, मारना शुरू करूंगा, मार कर साले टांग दूंगा और 20 अलट मारूंगा। खुद ही करिए साहब, गरीब हैं लेकिन गलीच नहीं हैं। गरीब गरीब की इज्जत मैं जूते से करता हूँ। खुद ही करिए साहब आप, लेकिन कर्जा ले तो कर्जा दे बड़े नहीं कि महलाई तो रहे के अंदर भेजे ला कर्जा दे इसी वक्त साले। तो मुझको मंजूर ठाकुर ना यह सत है, जिंदगी में अधिक गम उठाऊ गम है, जिस तरीके से होगा ए ठाकुर सुनो आपकी कर्जा परसों चुकाऊंगा मैं। पांच साले क्या बोला रे तू? बाबू साहब हम कर्जा आपके देबे लेकिन औरत अपन भेजम। छोटा मुंह बड़ी बात साले कुत्ते, कर्जा दे दे बाबू साहब। ला कर्जा साले, नहीं काट का फेंक दूंगा। बाहर साले, कह रहा कि ठाकुर साहब कर्जा दे दूंगा, गुलामी नहीं करूंगा। क्या बात है दर्शन? मेरे भाई जमींदार से मुझे 3 दिन की मोहलत दिलवा दीजिए, मैं परसों ठाकुर साहब का मैं पैसा दे जाऊंगा। क्या कहा, परसों दे जाओगे? मैं कर्जा परसों को दे जाऊंगा, वरना ठाकुर साहब आज मुझे मार डालेंगे। मेरे मेरे भगवान बन के मेरी जिंदगी बचा ले बाबू जी। ठीक है दर्शन, हम तुम्हें 3 दिन के लिए मोहलत दिला देंगे, लेकिन परसों कर्ज दे देना। मैं परसों कर्जा दे जाऊंगा बाबू साहब। ठीक है, बैठ जाओ उधर। हां बाबू साहब, क्या है? और बैठो बैठो। ये तो सच है बाबू साहब की दर्शन इस वक्त मजबूर है और किसी भी हालत में दे नहीं सकता है कर्ज। तुम चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूँ बाबू साहब किसे 3 दिन के लिए मोहलत दिया जाए और 3 दिन के अंदर अंदर सारी कर्ज देने के लिए कह रहा हूँ। ठीक, यानी दर्शन की इमदाद बाबू साहब जमानत ले रहे? बोलो। एक गरीब गरीब की इमदाद नहीं करेगा तो कौन करेगा? गरीब की गरीब इमदाद करता है जी हाँ, और ठाकुर को बेईमान बनाता है। नहीं साहब, ये कौन कह रहा है? हराम जादे तेरी बातों से ही आ रहा है। नहीं बाबू, गरीब गरीब की हिफाजत, ठाकुर को बेईमान बनाना, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। पहले बंदूक नीचे रख और बेल्ट उधर ताले। क्या हो रहा है? तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई दर्शन की इमदाद करने की? बाबू साहब गलती हो गई, तुम्हारे ही सामने साला हुक्मदुली किया है, है? और तेरा बाप 40,000 रुपये खाकर मर गया, इसीलिए तो मैं गुलामी कर रहा हूँ। अभी तक रुपए पूरा नहीं दे पाए और गुलामी कर रहे हो। हाँ। और कह रहे हो कि गरीब की गरीब करता ही इमदाद। आज तुम्हारा वो स्वागत करूंगा कि पूरी रियाज देकर घबराएगी। ठाकुर से दुश्मनी करने का नतीजा ये है। साले कुत्ते, तेरी हिम्मत निकल जा दरबार से। मैं निकल जाऊंगा बस साला। चल बे बाहर साले, बाबू साहब बुला रहे हैं, जाओ। आग लगा दिया हमारे ही आदमी, मुझसे दुश्मनी। बाबू जी मेरी बात सुन लीजिए बाबू साहब, हम 5 रुपया दे जाओ, हमका 3 दिन की मोहलत आप दे दे। हम एक सिकट की मोहलत नहीं, 5 रुपया दे जाओ बाबू साहब।
तुम्हें मोहलत नहीं दूंगा, आज रुपया देना होगा तुम्हें। हमें घर जाने दीजिए, मैं कर्जा नहीं लेकर जहाँ से पाऊंगा आपका पैसा दे जाऊंगा। अपनी पत्नी को बुलाओ और मेरे साथ भेजो। इतना होए बाबू साहब नहीं होगा। मैं कर्जा लिया हूँ, कर्जा दूंगा, लेकिन ये कहो इज्जत बेच लीजिए, देखा तय नहीं होगा साहब। मैं अपनी पत्नी मैं हवेली के अंदर कभी नहीं भेजूंगा, मैं कर्जा दे दूंगा। गोरी हमका तो स्वागत करो साल के आप क्या बोला नहीं। या तो साले तुम कर्जा दोगे या तो यही बने रहोगे हवेली पर। भैया हमका 3 दिन की मोहलत दिलवा दें आप, हम 500 रुपया ठाकुर के दैया, चाहे जहाँ से लाओ घर द्वार बेच के हम परसों को ठाकुर का पैसा नहीं देता है। बाबू साहब क्या बात है, दर्शन इस समय आपका कर्ज देने से लाचार है। लाचार तो है, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से इसे 3 दिन की मोहलत दे दी जाए। बाबू साहब आप हंस रहे हैं, एक गरीब की खिल्ली उड़ा रहे हैं, ये अच्छा नहीं होता सर। गरीब की खिल्ली उड़ा रहे हैं अच्छा नहीं हो रहा है, और गरीब साले ठाकुर की खिल्ली उड़ा रहे हैं अच्छा हो रहा है। बाबू साहब अगर दुनिया में सब अमीर ही रहेंगे तो काम कौन करेगा? अबे कह रहा है साला के बाबू की इज्जत कैसे होगी? हाँ इज्जत तो बाबू साहब गरीब आदमी आप करेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो दर्शन के विषय? मैं ये चाहता हूँ कहना कि 3 दिन के लिए मोहलत इसे दे दी जाए, और अगर 3 दिन के अंदर रकम नहीं पहुंचाता है तो जो सजा दर्शन को वही सजा हमारी। दर्शन की इमदाद कर रहे हो? बाबू साहब इमदाद में नहीं कर रहा हुआ है कि जो दर्शन माँ की इमदाद करेगा उसे दंडित किया जाएगा। बाबू साहब मैं इमदाद करने काबिल नहीं हूँ। अबे साला कह रहा है बाबू साहब आज तुम्हारी वो हाल करूंगा कि पूरी रियाद देकर घबराएगी। नहीं बाबू साहब मुझे मत मारो, आज तुम्हारी चमड़ी में उधेल लूंगा साले। सूरत से सख्त नफरत है, पर आप जाने ये साला मुझे बदनाम कर रहा है, रस्सा लेके आओ बांधो साली को। ठीक है सरकार। क्या है रे? आज तो मैं जा रहा हूँ। अबे जा साले तू, लेकिन याद रखना इस अपमान का बदला मैं गिर गिना चुकाया तो मेरी माँ का तू हराम। अरे जा, अरे जा बंदूकिया किधर गया? वह जाता है, पीछा करो, जाओ पुलिस चौकी पर फोन करो। मुकापा भगा जाता। अरे जाओ पुलिस चौकी पर फोन करो। मैं जा भी थाने जा रहा हूँ, चौकी की बात छोड़ो। क्या बोल रहा था? ताली बजा रहा था। दे दे बाबू, क्या देगा? मैं ला सारे कर जा, बुला गांव वाले को, बुला गांव वाले को, करन मत तेरी। का चाहिए तो का हमका बताओ। भैया हमें 3 दिन की मोहलत दिलवा दीजिए वरना बाबू साहब हमें मार डालेंगे। बस 3 दिन का? हम पर तैयार तो का पहले कहा चाहिए तो का मोहलत दिलवा दे। हम परसों रुपया जात ले के दे जात जात ही घर द्वार बेच बिकिन के जहां से पाव लाए के। बस 3 दिन का? केवल 3 दिन। बैठ यार, तो का मोहलत दिलवा दे तही यार, पहले तो का बतावा चाहिए हमका मोहलत दिला देते, तोहरे कारण ने बेचारे मार के बहिया उठे। हमारी बात बाबू साहब अवश्य मानते, क्यों कि इनके नौकरी करते करते मैं पन बुढ़ा हो गया। भाई खैर हम उल्हा देवा देते हैं बाबू साहेब। क्या बात है श्री राम? सरकार दर्शन बहुत गरीब आदमी है। हाँ गरीब तो है, और गरीब का लड़का हुआ है। दर्शन 3 दिन का मुलाहत मांग रहा है, हमारी तरफ से इसे 3 महीने का मुलाहत दी जाए। भाई खैर यार श्री राम ये तो मेरे मुंह लगे सिपाही हो। हाँ। जो तुम कह रहे हो हाँ? अगर तुम कहो तो तुम्हारे कहने से हम 6 महीने की मोहलत दे देंगे। 3 महीना बहुत है।
ठीक है ना? हाँ हाँ। तुम तो दर्शन की इमदाद कर रहे हो, ये 3 महीने के लिए उनकी छुट्टी दिलवा रहे हो, ये बाबू साहब, और तुम्हारी मदद कौन करेगा, यानी तुम्हारी रिहाई कौन करवाएगा जी? नहीं समझे? नखून मत खोटो, जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना बड़ी वाली फल हम कहाँ से दे पाऊ? दर्शन की इमदाद किया करे तब कि माफ कर दीजिए जी, तुम्हें कौन माफी दिलाएगा? हम कौन गलती करे? तो साले मेरे सामने ऊंची आवाज, छोटा मुंह बड़ी बात, दर्शन माँ की इमदाद। अबे साला जतोला वो बनाता है कुत्ते। नहीं बाबू साहब, इस हराम जादे को अपनी इज्जत आबरू का कोई ख्याल नहीं है। अरे दर्शन माँ, और साले डाल साली था। आ गया, कर्जा दोगे या नहीं अब तुम? बाबू साहब हम कर्जा आपके देवे। कब दो देवे? 15 रुपया दे जाओ। हम एक शिकर की मोहलत तुम्हें नहीं दूंगा, मिसरा रस्सा लेके आओ, बांध दो साली को। बाबू साहब एक बात मैं कहूँ? क्या है बोलो। अगर इसे जान से मार डालोगे, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? क्या 302 का मुलजिम बनेगी, हम तुम जेल में तफला बजाएंगी। तुम ठीक कह रहे हो, मारने से पैसे नहीं मिलेगा। जी नहीं। अब सोचो कौन से रास्ता निकाला जाए। मैंने इकरारनामा बिल्कुल बना के रख दिया हूँ साहब। कैसा इकरारनामा? इसे 3 दिन की मोहलत दी जाए। क्या कहा? इसे 3 दिन की मोहलत दी जाए। 3 दिन में 2,500 रुपए अदा कर देता है तब तो ठीक है, नहीं तो इसकी जमीन जायदाद घर मकान सब बाबू अभय प्रताप सिंह के कब्जे में होगी। इसके मकान में बाबू साहब का ताला लगेगा और इसकी बीवी देवा हवेली पर आकर काम करेगी। ये शर्तनामा इसे मंजूर हो तो दस्तखत करे, अपने घर को जाए। मनीष जी तुमने ठीक कहा, मारने से पैसे नहीं मिलेगा। जी नहीं। इससे पूछो कि इकरारनामा स्वीकार करता या नहीं। ठीक, अब बैठे मैं पूछ रहा हूं। अबे ओ दर्शन मां, चल इधर, चल साले। देख हम तुम्हें 3 दिन की मोहलत दिलवा रहे हैं, 3 दिन में 2,500 रुपए अदा कर देते हो तब तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा घर द्वार जमीन जायदाद जितनी है बाबू साहब के कब्जे में होगी। तेरे मकान में बाबू साहब का ताला लगेगा, तेरी बीवी देवा हवेली के अंदर आकर काम करेगी। ये शर्तनामा तुम्हें मंजूर हो तो दस्तखत करो, अपने घर को जाओ। ठीक है मुनीम जी, अगर 3 दिन में मैं रुपया नहीं दूंगा जमींदार की तो घर द्वार बीवी बच्चा सब ठाकुर के हमरा होंगे। यानी मैं दस्तखत ना दे रहा हूँ साहब। अब जा दे बाबू। अरे बैठ, अब तो घर द्वार सब लिख दी। अरे बैठ जाओ, बाबू साहब इसे मंजूर है। दर्शन ये करारनामा तुमने सभी कर दिया है, हमें मंजूर है बाबू साहब, अगर हम आपके पैसा दे तो लड़का बच्चा घर द्वार सब। देखो इकरारनामा में लिखा क्या है, अगर 3 दिन के अंदर रुपए नहीं पहुंचाओगी तो तुम्हारी झोपड़ी में ठाकुर भय प्रताप सिंह का ताला लगेगा और तुम्हारी पत्नी ठाकुर अभय प्रताप सिंह की हवेली में होगी। ठीक है बाबूजी, अगर हमने दे तो हमारी पत्नी लड़का बच्चा सब आपके हैं। ये नसीहत ध्यान में रखना। ठीक है और तुम जा सकते हो बाबू साहब। अरे आ साला बड़े जोर से भागता है, देख मैंने तेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। मुनीम जी हमारे भगवान बन के हमारा आज बाबू साहब से जिंदगी बचा दे। मेरा एहसान भूलना मत, नहीं तो ये लाला की खोपड़ी है, समझे? ठीक है बाबूजी, हमारे साथ से जौन आप कहे हैं ये एहसान हम जिंदगी में न भूल। अब लाला हम जाते ही अगर जियत रह गए तो तोहरों का एहसान और ठकुरों का एहसान हम पूरा कर दे। जा 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 जा, 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 जा। जय गोपाल बाबू साहब। जय गोपाल। ऐसा एक कह के गया है हाँ। कि आपका एहसान और बाबू साहब का एहसान भूलूंगा नहीं। लाला जी, दर्शनमा यहाँ से नहीं बोल रहा है। फिर वो बहुत दूर से बोल रहा है। हाँ तो मेरे सामने मौजूद था वो। तुम नहीं जानते हो,
बहुत ऊंची आवाज से बोला है कि ठाकुर जो हमारे साथ किए हैं उस एहसान को नहीं भूलूंगा, और लाला जब तुम किए हो जी? अगर मैं जिंदा रहा तो एहसान का बदला जरूर। ला दर्शनवा वापस नहीं आएगा, दर्शन की वही हाल है कि जान बची हम लाखों पाए। अच्छा? और लौट के बुद्धू घर को आए, दर्शनवा नहीं आएगा। दर्शन आओगे तब ही ठीक है, नहीं आओगे तब भी ठीक है, आओगे कर्जा देके जाओगे, छुटकारा पाओगे, अगर नहीं आओगे तो तुम्हारी पत्नी देवा ठाकुर भाई प्रताप सिंह की दुल्हन हो। कर भला तो हो, अरे तू साला बतला क्या चुकाएगा? अपनी मौत से पूछो कि मौत कहाँ है, ठाकुर के हाथ है, वक्त का इंतजार करना, बात पे बात सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद, ये रहा ठाकुर का ऐलान साला। आप चल के आराम करें, जरा मैं हिसाब किताब मिला लूं। कर भला तो हो भला, वो साला जाएगा कहाँ? अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे वाह बाबू साहब, मैंने केवल दर्शन को 3 दिन के लिए मोहलत दिला रहा था बाबू साहब, आपने वह अंतर मुझे मारा कि मेरी आत्मा जानती बाबू साहब। ठीक है, ये तो वक्त आएगा तो हम आपसे बतलाएंगे जमींदार साहब, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊं, इस दुनिया में तो मेरा कोई सहारा नहीं है, किसके पास जाऊं मालिक? अरे भाई साहब, कैसे आप यहां? भाई साहब क्या बताऊं, दर्शन की जैसे आप 3 दिन के लिए मोहलत मांग रहे थे, अच्छा किसे 3 दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए तो और कर्ज ला कर दे देगा। हाँ ठीक, लेकिन वही बात, मैं ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब जैसे तुम्हारे बदन पर हंटर लगाए वैसे हमारे ही बदन पर हंटर लगाने लगे। अच्छा, तो मैं सोचा थोड़ा सा मौका पाया, ये कारतूस और बेल्ट, कारतूस की बेल्ट और बंदूक लेकर भागा है। बहुत अच्छा किया, लेकिन यहां तक चले आए हैं, लेकिन अब करेंगे क्या? अरे मायूस, अरे हट, हराम जादे छूना नहीं। अबे तुम्हें पानी नहीं मिला कहीं? पानी वाली बात नहीं ना, तुम्हें कहीं नहर तालाब नहीं मिला? तालाब नहर की बात नहीं ना, तो बात क्या है? आवत तो नहीं साहब, पहले बांध है जा, बांधो इसे, पानी लेके आता हूँ। अरे यार पानी वाली बात नहीं ना, तो फिर क्या बात है जा पहले? अरे बांधो जल्दी, बांध, आवत तो नहीं ना। कौन? अरे कोई नहीं आ गया यहाँ, घबराओ नहीं, घबराओ, बांध है जा, बांध है जा, बांध लो, बांध लो फटाफट, बांध है जा। हाँ बोलो भैया, बात क्या है, कैसे तुम आ गए यहाँ? जैसे भाई साहब ने दर्शन लिए 3 दिन से मुलाहत मांग रहे थे बाबू साहब को। हाँ? आप मुलाहत मांग रहे थे बाबू साहब से। हाँ? आपको बाबू साहब ने मारना शुरू कर दिया, आप बंदूक का कारतूस का बेल्ट लेकर भाग गए। जी हाँ। अरे भैया दर्शन हमारा गोल पकड़ के रोवे लागे, ओ तो कहन भाई मुलाहत दिवा दे के जान तो हार कहाँ माने, तो अब दया आई गए, हम कहे बाबू साहब दर्शन को 3 दिन के बजाय 3 महीने का मोहलत दिया। बहुत अच्छा किया तूने, मोहलत मिल गई उसे? कहाँ मिली यार, फिर बाबू साहब उठाएं कोर्रा मारा शुरू कर दे, दुई भर्रा मारे पैजामा खसक गया, एक भर्रा और मारे हो चड्ढी खसक गया, हमार बेइज्जती खराब हो गई। अरे बदतमीज कह के इज्जत खराब हो गई, इज्जत खराब हो गई, अब क्या कर? लेकिन ये बताओ अब, हाँ तो हम तुम भाग आए, हाँ अब क्या सोच रहे हो, कहाँ चलोगे, क्या करोगे? हाँ भाई कौन कमाई खाए का रास्ता है ना, या हम अगले हम बिना। भाई रंजीत सिंह, गरीबों का सहारा केवल चंबल घाटी है। बहुत अच्छी बात, हम चलते हैं चंबल घाटी और उस वहां पर अपना एक छोटा सा ग्रोह बनाएंगे। जी हाँ बनाएंगे, और वही एक रास्ता है कमाने खाने का। बहुत अच्छा, लेकिन अब अपनी ग्रोह अगर तैयार हो गई तो एक ना एक दिन उस जमींदार से अपने अपमान का बदला चुका कर रहेंगे। डाकू बन जाएंगे। हाँ। चलेंगे फिर मुरादाबाद, तो गुलामी की जंजीर को तोड़ देंगे, गुलामी की जंजीर को तोड़ देंगे, गुलामी की जंजीर को तोड़ देंगे, जंगल हवा सर फोड़ देंगे। या भगवान, जितनी दूर जमींदार के घर से आया इतनी ही दूर मेरा घर और आगे है, यही सोच रहा हूँ भगवान कि 3 दिन का वादा करके ठाकुर साहब से आए हैं कि मैं परसों की आपकी कर्जा दे दूंगा, तो भगवान
जिसके घर में खाने को नहीं है, एक एक दाने से मोहताज हूँ, तो कहाँ से मैं जमींदार के कर्जा दूँ। भगवान मैं कहाँ जाऊँ, यही सोच रहा हूँ भगवान, घर जाऊँगा, बीवी बच्चे की मोह में पड़ जाऊँगा और कर्जा नहीं दे पाऊँगा तो मेरे ही सामने मेरे बीवी को घसीटते ले जाएंगे, मैं अपने नजरों के सामने अपने बच्चों की कैसी दुर्दशा देखूँगा भगवान, मैं कैसे बीबी की इज्जत बचाऊं, अपनी जिंदगी बचाऊं, मालिक यही सोच रहा हूं अब रास्ते में। अब मैं लौट कर अपने घर नहीं जाऊंगा, यहीं से मैं जा रहा हूं चंबल घाटी। आज मेरी दुनिया उजड़ गई है, बीबी बच्चे को छोड़कर मैं जा रहा हूं। कि कौन नरे सवा कदे सवा उजड़ गया, हमार भैया हमार बीबी छूट जा रहे, कि कौन नरे सवा कदे सवा उजड़ गया, के करे दुआरिया के छाओ, हे ठाकुर कब कैले हम से ठाकुर कब कई लगा गम से। अब मैं जा रहा हूं चंबल घाटी। जय मां भवानी, जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां भवानी। हाँ बोली रंजीत, अपनी छोटी सी गिरोह तैयार हो गई तो, लेकिन खास बात यह रही कि अपनी इस गिरोह में सरदार कौन बनेगा तो। भाई साहब, अगर सरदार बनने के काबिल कोई होता तो सरदार बन चुका होता। जी हाँ, क्या सोचा जाते? मैं ये सोच रहा हूँ चलो इसी संबल का भ्रमण करते हैं, जो सरदार बनने की काबिल मिल जाएगा उसे हम सरदार बना लेंगे और इसकी आज्ञा का पालन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बोलो मां भवानी की जय। अबे इतनी कारतूस फालतू हो गई है, सब गोलियां फर्जी चल रही है। फर्जी चल रही है, एक बार गोली भरता हूँ तो पहाड़ में चुकती नहीं है। टा 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 टा। अबे ये क्या है? ये मेरी गन मशीन है। बदतमीज कहे कि गन मशीन है। गन मशीन। लेकिन ये क्या है? गिर गया। ये हमारा चकमा है। चकमा है कि चश्मा है? चश्मा है। तो क्यों फेंक दिए? अरे यार गिर गया, जो गिर गया साला गिर गया। ये है 80,000 का। 80,000 का? इसे उठा लो। इसमें कुछ खूबी है? इसमें दूरबीन फिट है। दूरबीन फिट है? 10 किलोमीटर दूर देख लेता हूँ किसके मकान में कितना धन है। अरे रंजीत सिंह उठाओ तो काम कीजिए। अरे यार जाए जा, जवान गिर जाए उठाई नहीं। अरे जाए हटाओ। अरे यार जाइए कावा हमका 80,000 जब 9-10 लाख रोज लूटा था ही तब। ये बात है और क्या। देखो रंजीत सिंह, हाँ भाई, ऐसे इंसान के हम लोगों को जरूरत थी। जरूरत थी और ये इंसान मिल भी गया है। आज मिल भी गया है। हमारे जैसे नौजवान जरूरत है। बलदेवैया का भैया। देखो ये चंबल, हम लोग चंबल के नौजवान हैं। अच्छा अच्छा। और इस चंबल के ग्रह में कोई सरदार नहीं है। अच्छा अच्छा। और जब तक कोई सरदार नहीं होगा तब तक कोई काम हासिल नहीं होगा। अच्छा अच्छा। इसलिए हम तुम्हें अपना सरदार मानते हैं। यानी आप लोग हमें सरदार बनाएंगे? शाबाश बेटा, शाबाश। अरे मुझे बेटा बना रहे थे? आपको नहीं कह रहा भैया। फिर किसको कह रहा था? सरदार का नाम सुनकर के मैं खुश हो गया, अपने आप कह रहा हूँ शाबाश बेटा। हाय और नाती तू नहीं कहता ही भाई, मान लो अगर सरदार बन गए
तो काम कौन सा करना पड़ेगा भाई? देखो पहले काम बताओ। चोरी डकैती मार काट खून खराबा। हाँ। और सरदार तुम बन गए। हाँ। और मान लीजिए कि हम पूरी ग्रोह सहित हाँ हाँ इसी गांव में डकैती डाल दी। संत प्रधान के पता लगेगा। राम ज्यादा नाम लोगे तो काम दूसरा करेगा, नाम तुम्हारा होगा। बताओ चाहिए। मान लीजिए इसी गांव में डकैती डाल दिए। डकैती डाल दी और गांव वाले जग गए, जाग जाएंगे और इकट्ठा होकर हम आप पर टूट पड़े। अच्छा अच्छा, तो सरदार की ये फर्ज बनता है हाँ? कि अकेले जाम के मुकाबला करे। अकेले ही? जी हाँ। सरदार अकेले ही? और क्या? अरे हमला बोलो सरदार। क्या हुआ बताओ? हम सब घरे में उलिया के रुपया पैसा सोना चांदी लूटा। हम दुआरे खड़ा रही, गांव वाले टूट पड़े, हाथ गोल रह जाए हो। मरने डरते हो? सरदार बनूंगा, हमारे एक शर्त है। क्या शर्त? मान लो मैं सरदार बन गया। हाँ सरदार बन गए तो सबसे पहले घर के अंदर हम घुसेंगे। ये सरदार का फर्ज नहीं है? सरदार ही चाहिए जवान करब हो। चलो कोई बात नहीं भाई, सरदार हो तो जो कुछ करो। घर के अंदर घुस जाएंगे। हाँ घुस गए। सबसे पहले गदेला कलेवा खाब हम। क्या नादान बच्चों की तरह बात करते हो? सरदार ही चाहिए बच्चों के लिए खाना रखे, उसे तुम खा लोगे? आइए बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। मारा चाहिए उसी, हम तुम्हें परवाह नहीं है। तो खा लोगे? गदेला कलेवा खाए के बाद क्या करेगा तू? दो बाल्टी पानी पियो। दो बाल्टी पानी पिएगा? दो बाल्टी पिएंगे। उसके बाद क्या करेगा तू? ओकरे बाद वही घरे में 2 घंटा सो। अच्छा के बाद सवेरे उठे जब टाठी लोटा पाऊ लेके भाग ले। टाठी लोटा नहीं पाओगे, जूता चप्पल लाठी डंडा पाओगे। अरे जूता चप्पल पाजा पहन ले। अरे वो काम करेगा, वो भी मिल जाएगा एप्पल वाला जूता। अरे ये साला सरदार बनने के काबिल नहीं है। जी तो सरदार आप बन जाइए। मैं भी सरदार बनने के काबिल नहीं हूँ। अच्छा कोई बात नहीं है, तो चलो हम चंबल का भ्रमण करते हैं। बोलो मां भवानी की जय। कहो इतना कीमती सामान ले रही, कहा था सरदार लायक नहीं हो। बताओ एक बार गोली भरता हूँ तो दोपहर में चुकती नहीं है। टा 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 टा, कहीं गोलियां खत्म हो गई, फैकौआ मारता हूँ, इससे ताला तोड़ता हूँ, खोपड़ी फोड़ता हूँ। इतना कीमती नहीं कहा था तब सरदार लायक नहीं ना। सरदार बनबन करब यार, अकेला चोरी करब। जौने खेते मुलियाइए चार चार पाती आलू खोदब दिहाड़ी सूलिया। हम चोरी करबो न करब, चोरी करे में कोनो फायदा नहीं ना। एक दिन हमारे में हरुआ गावत रहे नंदन भाव जाइन दुई नहु गावत है कि रातिया के झूला ले लई गया चोर छोटी नान जी। रातिया के झूला ले लई गया चोर छोटी नान जी, भोरा वाया उले बालमु के तार छोटी नानी।